हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हाई इम्पैक्ट एकेडमी में। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट वन वीडियो देखा था, जिसमें आप सभी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन और बहुत सारे टॉपिक के बारे में बताया गया था, और साथ ही में आपको ये बताया गया था कि टाइप वन और टाइप टू के क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से करना है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो अगला टाइप है आपका टाइप थ्री और टाइप फोर, और उसके बाद भी एक टाइप है टाइप फाइव। तो इन सारे टाइप्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से करना है ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, और साथ ही में आपका जो एक्सरसाइज है उससे भी कुछ क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए टाइप थ्री का क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से करना है ये हम लोग आज देखेंगे। आपका ये जो टाइप थ्री है इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई एपी का अनुक्रम दिया होगा, और उसमें से आपसे ये पूछा जाएगा कि इस अनुक्रम का पहला पद और सार व अंतर निकालें। तो यहाँ हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि आपका एक एपी है 5, 8, 11, 14, ये है आपका एक एपी, और इस एपी का आपको सार्व अंतर और पहला पद ये दोनों निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो पहला पद होता है, इस अनुक्रम का पहला पद ही इस एपी का पहला पद होता है। तो यहाँ इस एपी का पहला पद क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 5, ये है पहला पद। यहाँ सार्व अंतर निकालना, पहला पद हम लोगों ने निकाल लिया ए इक्वल टू 5। अब सार्व अंतर डी निकालना है, तो डी का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी लगातार दो पदों के बीच का अंतर। तो यहाँ दूसरा पद कितना है 8 और पहला पद है आपका 5, ये दोनों के बीच का अंतर कितना है 3। तो ये आ गया आपका डी का मान, ए और डी निकाल लिया। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में टाइप थ्री में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं टाइप फोर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से करना है, किस तरह का क्वेश्चन होगा टाइप फोर में। चलिए चौथा टाइप है आपका, चौथे टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, एक अनुक्रम दिया हुआ रहेगा और उसमें से आपसे ये पूछा जाएगा कि जो अनुक्रम दिया गया है वो एपी में है या नहीं है, इसकी जाँच करें। तो चलिए देखते हैं इसका एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। चलिए मान लेते हैं आपके पास एक एग्जाम्पल है 5, 7, 9, 11, इस तरह से आपका एक अनुक्रम दिया गया। अब आपसे ये पूछा जाए कि ये जो अनुक्रम है वो एपी में है या नहीं है, तो हम लोग देखेंगे इसको एपी में है या नहीं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। एक तो तरीका है आपको जानने का, एक साधारण सा तरीका है कि ये एपी में, ये अनुक्रम जो है एपी में है या नहीं, ये पता करने के लिए। देखिए यहाँ पे जो पहला पद है वो 5 है, दूसरा पद 7, दोनों के बीच में अंतर कितना का है 2 का, फिर दूसरा पद 7 है और तीसरा पद 9 है, यहाँ पे भी दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 का, फिर ये दोनों पद यानी तीसरा और चौथा, तीसरा पद 9 और चौथा पद है आपका 11, तो ये दोनों के बीच में भी अंतर जो है वो 2 का ही है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सब हर एक दो पद के बीच में जो अंतर समान आ रहा है, और ये एपी में है, इसे हम बोल सकते हैं कि ये जो अनुक्रम है वो एपी में है। क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक दो पदों के बीच में अंतर जो है समान आ रहा है। चलिए अनुक्रम आपका है 5, 7, 9 और 11, पहला पद A1 इक्वल टू है आपका 5, A2 इक्वल टू है आपका 7, A3 इक्वल टू है आपका 9 एंड A4 इक्वल टू है आपका 11। अब हम लोग फॉर्मूला क्या देखे हैं सार्व अंतर निकालने का, डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है दूसरे में से पहले पद को घटा देते हैं, यानी A2 माइनस A1। अब A2 का मान कितना है, तो A2 का मान है आपका 7
और A1 का मान है 5, ये दोनों का अंतर कितना होगा? 5 होगा। यहाँ फिर से दूसरा निकालते हैं, तीसरे पद और दूसरे पद के बीच का अंतर, तो A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 9 और A2 का मान है आपका 7, तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है और वो कितना है 2 का डिफरेंस आ रहा है। फिर अगर तीसरा निकालना चाहते हैं तो तीसरा आपका देखिए चौथा पद है 11, A4 का मान है आपका 11 और A3 का मान आपका 9 है, तो ये दोनों को घटाएंगे 11 माइनस 9 इक्वल टू 2, यानी हर एक कंडीशन में जो आपका डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये अनुक्रम जो है आपका एपी में है, प्रूफ होता है इससे कि ये अनुक्रम। इसी तरह का एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए देखते हैं अगला, चलिए एक दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए हम लेते हैं, एक पहला पद 5, दूसरा 10, तीसरा 20, चौथा 25, 30, इस तरह से हम लोग एक अनुक्रम लेते हैं और जांच करते हैं कि ये जो अनुक्रम है आपका एपी में है कि नहीं है। तो चलिए जांच करते हैं इसका, यहाँ ए जो है आपका A1 वो कितना है 5, A2 कितना है 10, A3 है आपका 20, A4 इक्वल टू है आपका 25 और साथ में A5 जो है आपका वो कितना है 30 है। यहाँ हम लोग जांच करेंगे कि क्या इसके लगातार दो पदों के बीच का अंतर समान है या असमान है। तो यहाँ देखिए, तो पहले A2 और A1 के लिए D निकालेंगे, किसके लिए A2 और A1 के लिए, A2 माइनस A1, इसके लिए जो D का मान होगा वो कितना होगा, A2 का मान 10 और A1 का मान 5, इससे आपका D का मान आ गया 5। फिर अगला देखते हैं A3 और A2 के बीच, तो A3 है आपका, चलिए A3 आपका है 20 माइनस A2 है आपका 10, तो इसके बीच में जो अंतर है वो कितना का है 10 का, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है ये दोनों एक दूसरे के बराबर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एपी का जो डिफिनेशन था उसके अनुसार ये फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे एपी में बताया गया था कि कोई भी अनुक्रम एपी तभी हो सकता है जब उसके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं A2 माइनस A1 का मान आपका 5 आ गया, लेकिन A3 और A2 के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 नहीं है 10 है। तो इस तरह से ये क्या प्रूफ होता है कि जो अनुक्रम आपको दिया गया है वो एपी में नहीं है, यही आपको जांच करना होगा। टाइप फोर का जो क्वेश्चन दिया जाएगा आपको उसमें यही जांच करना होगा कि जो अनुक्रम आपको दिया गया है वो एपी में है या नहीं है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए, अभी तक हम लोगों ने टाइप 1 से लेके 4 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से करना है वो सीख लिया है, और अब क्या करते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज में किस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए, एक्सरसाइज में जो पहला टाइप है, पहले टाइप में जो आपका क्वेश्चन दिया जाएगा वो होगा, चलिए देखते हैं आपका एक्सरसाइज 5.1, जिसमें टाइप 1 में क्वेश्चन दिया गया है, यदि अनुक्रम का n-वां पद दिया गया हो तो पदों को ज्ञात करने पर आधारित, ये tn का मान दिया गया है और आपको उस अनुक्रम का प्रथम 3 पद निकालना है। नीचे कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें से उस अनुक्रम के 3 पदों को आपको ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपका पहला क्वेश्चन है, यदि tn बराबर 3n+1, tn का मान है 3n+1, तो आपको इस एपी इस अनुक्रम का प्रथम 3 पद निकालना है, यानी t1 t2 और t3, ये तीनों पद को आपको निकालना है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, tn का मान है आपका इतना 3n+1, tn इक्वल टू है 3n+1, हमको चाहिए t1, तो क्या करेंगे यहाँ पे n के जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे और निकाल लेंगे प्रथम पद, यानी 3 × n का मान 1 पुट करेंगे और ये हो जाएगा 3+1=4। तो पहला पद जो है आपका t1 वो 4 आ गया। इसी तरह से अगर दूसरा पद निकालना चाहते हैं t2, तो n का मान कितना पुट करेंगे 2,
क्योंकि दूसरा पद हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ एनवा पद था तो एन पुट किए थे, अब यहाँ पे आपको पहला पद है तो पहला पद है तो वन पुट किए, दूसरा पद है तो टू पुट करेंगे, एन का मान प्लस वन ये हो जाएगा आपका सेवन। इस तरह से एक और पद निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं उसको भी, टी थ्री। टी थ्री निकालना है तो एन का मान कितना लेंगे, थ्री। थ्री इंटू एन का मान है थ्री आपका प्लस वन, अब ये थ्री इंटू थ्री इक्वल टू नाइन प्लस वन टेन। इस तरह से आपका टी वन टी टू और टी थ्री, टी वन का मान फोर, टी टू का मान सेवन और टी थ्री का मान टेन। इस तरह से हम लोग इस अनुक्रम का लगातार तीन पद निकाल लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में। चलिए इस तरह से हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। आपके एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, टी एन इक्वल टू टू का पावर एन, ये आपको दिया गया है टी एन का मान। अब आपसे बोला जा रहा है कि इसमें टी वन टी टू और टी थ्री यही तीनों निकालना है आपको, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि टी एन का मान आपको दिया है टू का पावर एन, तो यदि हम टी वन निकालना चाहते हैं तो एन की जगह पे वन पुट करेंगे, यहाँ टू है और एन का मान वन रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका टू। इस तरह से अगर टी टू निकालना होगा तो एन का मान रखेंगे टू, और यहाँ से टू का पावर एन है तो एन की जगह पे टू पुट करना है, यानी टू का स्क्वायर ये हो गया आपका फोर। चलिए यहाँ हम लोग टी टू निकाल लिए, और फिर एक लास्ट टर्म निकालना है टी थ्री। तो अगर टी थ्री निकालना है तो एन का मान थ्री रखेंगे, टू और पावर कितना देना है, पहले वन था एन का मान जो टू हुआ और यहाँ पे एन का मान थ्री देना है, तो ये हो जाएगा आपका टू का पावर थ्री इक्वल टू एट। इस तरह से हम लोग टी वन टी टू और टी थ्री, यानी टी वन इक्वल टू टू, टी टू इक्वल टू फोर और टी थ्री इक्वल टू हो गया आपका एट, ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। चलिए अगला अगला और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो सेम है इसी तरह का, एक और क्वेश्चन जो कि डिफरेंट डिफरेंट है थोड़ा सा, उसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम बना दिए, तीसरा चौथा और पांचवा सब एक ही जैसा क्वेश्चन है, और आप लोग उसे खुद से बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे घर पे खुद से बनाए, अगर नहीं बनता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन में जो टी एन का मान आपको दिया गया है वो है एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फाइव, एक मिनट अजीत। चलिए यहाँ जो आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन है उसमें टी एन का मान दिया गया है एन माइनस थ्री बाई फोर, इतना है। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। चलिए टी एन इक्वल टू है एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर, हमको चाहिए टी वन, यानी एन इक्वल टू वन पुट करेंगे, तो एन कहाँ पे है, यहाँ पे एन है तो इसके जगह पे हम पुट करेंगे वन माइनस थ्री अपॉन फोर है, ये वन माइनस थ्री इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू अपॉन फोर। चलिए माइनस वन अपॉन टू आ गया आपका टी वन का मान, माइनस वन अपॉन टू। अब हमें निकालना है टी टू, दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद निकालने के लिए एन का मान कितना रखेंगे, टू। पहला पद निकाले थे एन का मान वन, दूसरा पद निकालना है एन का मान टू रखेंगे, यहाँ देखिए टू माइनस थ्री अपॉन फोर, इस तरह से आपका आ जाएगा माइनस वन अपॉन फोर, ये टी टू का मान। इस तरह से हम अगर चाहें कि टी थ्री निकालना तो टी थ्री इक्वल टू निकालना है तो एन का मान थ्री लेंगे और यहाँ पे थ्री माइनस थ्री अपॉन फोर, इस तरह से आपका टी थ्री निकल जाएगा जीरो। हम लोग देखिए यहाँ पे टी वन टी टू और टी थ्री तीनों निकालना था, यहाँ क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में यही काम करना है, सारे क्वेश्चन में एक से लेकर छह तक का क्वेश्चन में सब में यही काम करना है। आपका टी एन दिया रहेगा और उसमें आपको क्या करना है, तो टी वन टी टू और टी थ्री तीन पद निकाल लेना है, हम लोग वही निकाल लिया। अब देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट का इतना छह तक देख लिया, अब सेकेंड देखते हैं सेकेंड में किस तरह का क्वेश्चन है आपको। चलिए दूसरा का पहला क्वेश्चन है आपका, दूसरा का पहला क्वेश्चन में भी टी एन का मान दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि टी वन और टी टू का मान निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सेम पहले वाला प्रोसेस करेंगे। देखिए टी एन इक्वल टू आपको कितना दिया गया है, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन अपॉन थ्री,
ये आपको टीएन का मान दिया गया, हमें चाहिए टी वन, तो एन का मान कितना रखेंगे, वन। यहाँ एन स्क्वायर है यानी वन का स्क्वायर इंटू वन प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री। ये देखिए आपका हो गया वन, और ये ऊपर गुना दोनों को ऐड करेंगे तो टू डिवाइडेड बाई थ्री आंसर आ जाएगा आपका 2/3। ये टी वन का मान है। अब आपको निकालना है टी टू का मान, टी टू निकालना है। तो टी टू निकालने के लिए एन का मान कितना लेंगे, टू लेंगे। अब यहाँ पे एन है तो एन की जगह पे टू पुट करेंगे, टू प्लस वन अपॉन थ्री, ये हो जाएगा आपका फोर, और ये होगा थ्री। अपॉन थ्री काटेंगे इसको तो कट जाएगा, अब ये बचेगा फोर। यानी टी वन का मान आ गया आपका 2/3 और टी टू का मान आ गया आपका फोर। इस तरह से यही दोनों निकालना था। अगला बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी देखेंगे। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसमें टी एन का मान दिया गया है एन इंटू एन माइनस 2/(n+3)। ये आपका टी एन का मान है और आपसे पूछा जा रहा है कि टी ट्वेंटी यानी बीसवा पद निकाले, तो एनवा पद इतना है, बीसवा पद निकालना है हमें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। टी एन इक्वल टू है आपका एन इंटू एन माइनस 2/(n+3)। ये है आपका टी एन का मान, हमें निकालना है टी ट्वेंटी यानी बीसवा पद। तो एन इक्वल टू लेंगे 20। अब यहाँ पे एन का मान पुट करना है 20, 20 माइनस 2, और यहाँ पे है 20+3। चलिए ये होगा आपका 20 और नीचे हो जाएगा 23, 360/23। ये आएगा आपका टी ट्वेंटी का मान यानी बीसवा पद का मान इतना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे दूसरा का चौथा क्वेश्चन, दूसरा का फोर्थ क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है सेकंड, ये दूसरा में बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग उससे प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से। हम बता रहे हैं दूसरा का फोर्थ, इसमें दिया गया आपको टी एन का मान टी एन माइनस 1/(n²), और साथ ही में आपको एक और दिया गया है कि टी वन का मान जो है आपको वो 3 है, टी वन का मान 3 है, तो आपको निकालना है टी टू और टी थ्री का मान। क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार फिर से। टी एन का मान दिया है आपको टी एन माइनस 1/(n²), और टी वन का मान दिया गया है 3, तो आपको टी टू और टी थ्री का मान निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। टी एन इक्वल टू है आपका टी एन माइनस 1/(n²), और साथ ही में क्या दिया गया है आपको, टी वन इक्वल टू 3 है। चलिए हमको निकालना है टी टू, टी टू निकालना है तो इनके जगह पे 1 पुट करेंगे, यानी टी 2-1/(2) का स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, टी एन माइनस 1 था यहाँ पे, तो एन का मान हम लोग 2 पुट कर दिए, माइनस 1 है तो -1 लिख दिए। चलिए अब होगा यहाँ पे टू टी 2-1 यानी टी 2-1 मतलब टी 1, और 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। अब टी 1 का मान यहाँ देखिए, टी 1 का मान है आपका 3, तो 3 पुट कर देंगे और ये हो गया आपका 4, 3/4 आ गया आपका टी टू का मान। आगे हम लोग टी थ्री निकालना है, हम लोग टी थ्री निकालना है तो इन का मान पुट करेंगे 3। अब देखिए यहाँ है आपका टी 3-1/3 का स्क्वायर, इन का मान 3 पुट करना था, पुट कर दिए हम लोग। अब देखिए यहाँ पे टी 3-1 यानी कि टी टू, 3-1 मतलब 2, यानी टी टू अपॉन कितना 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। अब ये कितना होगा, टी टू का मान देखिए यहाँ पे दिया गया है, टी टू का मान हम लोग यहाँ निकाले, टी टू इक्वल टू है आपका 3/4, तो इसमें पुट करेंगे 3/4 और ये हो जाएगा आपका 9। यहाँ से इसके नीचे 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 × 1/9, यहाँ से कैंसिल होगा ये 3 टाइम्स। अब आपका आ गया ये 1/12, ये किसका मान आ गया, तो टी थ्री का मान। देखिए इस तरह से और भी क्वेश्चन है जो आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से। अब आगे देखते हैं हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से करना है।
चलिए चलिए अब देखते हैं तीसरा का सबसे पहला क्वेश्चन। तीसरे में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित उपकरणों के आगामी तीन पदों को लिखिए। जो उपकरण आपको दिया उपकरण दिया जाएगा, नीचे जो सीक्वेंस दिया जाएगा उसका बाद वाला, उसके बाद जैसे कोई टर्म दिया जाएगा, जैसे दूसरा टर्म दिया गया है। अब बोला जा रहा है आपसे कि इसके इससे आगामी मतलब इसके बाद का तीन को पद और निकालना है। दूसरा दिया है तो तीन और पद कौन कौन सा होगा, तीसरा चौथा और पांचवा, यही हमें निकालना है। और साथ ही में आपको टीएन का मान दिया गया है और उसके बाद एक कंडीशन दिया गया है कि एन इक्वल एन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, यानी एन का जो मान होगा वो तीन से या तो बड़ा होगा या तीन के बराबर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन करेंगे, टी एन का मान दिया गया है आपको टी एन माइनस वन प्लस वन, और साथ ही में क्या दिया गया है, टी टू इक्वल टू आपको दिया गया है टू। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना है, देखिए टी टू दिया गया है, हमें निकालना है टी थ्री टी फोर और टी फाइव। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, टी थ्री निकालेंगे, टी थ्री यानी एन इक्वल टू थ्री। अब एन के जगह पे थ्री रखेंगे, चलिए तो ये हो जाएगा टी थ्री माइनस वन यानी टी टू प्लस वन, और टी टू का मान यहाँ देखिए आपको दिया गया है, ये टी टू इक्वल टू है टू प्लस वन, तो ये हो गया आपका थ्री, यानी टी थ्री का मान कितना हो गया, थ्री। आगे अब हम लोग देखते हैं कि टी फोर का मान निकालना है, टी फोर निकालते हैं। तो टी फोर यानी कि एन का मान जो है आपको फोर लेना है, एन का मान फोर लेना है, टी फोर निकालना है, तो टी फोर माइनस वन प्लस वन, फोर माइनस वन प्लस वन करना है। अब देखिए यहाँ पे टी फोर माइनस वन यानी टी थ्री प्लस वन करना है, और टी थ्री का मान आपको कितना आ गया, देखिए यहाँ पे टी थ्री सॉरी ये एन का मान है, टी थ्री का मान यहाँ पे है आपका थ्री, और प्लस कितना करना है इसमें वन, तो ये आ गया आपका टी फोर का मान फोर आ गया, टी टू का मान हो गया टू, टी थ्री का मान थ्री, टी फोर का मान फोर, और इस तरह से अब हमें निकालना है टी फाइव। टी फाइव यानी एन इक्वल टू फाइव लेना है। अब यहां देखिए इस फॉर्मूला में टी एन माइनस वन है, यानी टी फाइव माइनस वन प्लस इसमें वन करना है। अब ये हो गया टी फाइव माइनस वन यानी टी फोर, और प्लस कितना करना है तो वन प्लस करना है। अब ये टी फोर का मान यहाँ निकाले हम लोग, टी फोर इक्वल टू फोर है तो टी फोर के जगह पे रख देंगे फोर, और इसका ये वन प्लस करना है इसमें तो वन प्लस कर देंगे, तो आ गया टी फाइव का मान। इस तरह से हम लोग टी टू का मान दिया गया था और इसका आगामी तीन पद यानी टी थ्री टी फोर और टी फाइव निकाल लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी तरह का एकदम सेम क्वेश्चन है, उसको बनाते हैं अब। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा का सेकंड क्वेश्चन। तीसरा का सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है टी वन का मान, और टी वन का मान कितना है थ्री, और साथ ही में आपको टी एन का मान भी दिया गया है। टी वन इक्वल टू थ्री है और टी एन बराबर थ्री, टी एन माइनस वन प्लस टू। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए आपको T1 का मान दिया गया है ना, तो T1 का मान हम लोग पहले लिख लेंगे कहीं पे, T1 इक्वल टू थ्री दिया है। अब आपको जो Tn का मान दिया गया है वो कितना है, Tn का मान है आपका थ्री टी एन माइनस वन, और साथ में इसमें टू ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए टी एन का मान इतना है और टी वन का मान दिया है, टी वन का मान अगर तीन है तो इसका आगामी तीन पद यानी टी वन है तो हमें निकालना होगा तीन को कौन कौन सा पद, टी टू टी थ्री और टी फोर, यही इसका आगामी तीन पद है, टी टू टी थ्री और टी फोर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, टी एन इक्वल टू इतना है तो हम लोग निकालेंगे टी टू, क्योंकि टी वन तो पहले से दिया दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे टी टू यानी एन इक्वल टू टू रखेंगे, थ्री इंटू टी टू माइनस वन प्लस टू। अब यहाँ देखिए थ्री इंटू टी टू माइनस वन यानी टी वन, टू माइनस वन यानी कि टी वन प्लस टू। अब यहाँ देखिए थ्री और टी वन का मान यहाँ दिया गया है आपको, देख रहे हैं यहाँ पे टी वन का मान कितना है थ्री, तो ये पुट कर देंगे हम लोग टी वन का मान थ्री प्लस टू, थ्री इंटू थ्री इक्वल टू हो गया आपका नाइन,
और ये प्लस टू ऐड करना है इसमें, तो यहाँ हो गया आपका 11। ये आ गया आपका किसका मान, तो टी टू का मान, यानी दूसरा पद है आपका 11। अब इसका इसके बाद वाला पद यानी तीसरा पद हमें अगर निकालना हो तो एन का मान 3 लेंगे। अब देखिए इधर 3 टी एन का मान 3 माइनस 1 प्लस 2। अब यहां पे क्या होगा, 3 इंटू टी और ये 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 यानी टी 2 प्लस 2। अब देखिए 3 इंटू टी 2, अब टी 2 का मान कितना है यहां देखिए, ये दिया है आपका टी 2 का मान, और टी 2 का मान आपका है 11 और प्लस इसमें करना है 2, ठीक है। तो ये हो गया 11 इंटू 3 इक्वल टू 33 प्लस करना है, सॉरी इसमें ये निकाल रहे हैं हम लोग टी 3 का मान 33 प्लस 2 यानी 35, ये आ गया टी 3 का मान। अब एक और पद निकालना है, कौन सा, टी 4। टी 4 भी हमें निकालना है, तो निकालेंगे टी 4 को। टी 4 निकालने के लिए क्या करेंगे, एन का मान 4 लेंगे यहाँ पे। चौथा पद निकालना है तो एन का मान 4 लेंगे, और यहां से हम लोग जहां जहां एन है वहां पे 4 पुट करेंगे। अब देखिए तो टी एन यानी हमें चौथा निकालना है, तो टी 4 माइनस 1 प्लस 2 है तो प्लस 2 करेंगे, 3 टी 4 माइनस 1 यानी टी 3 प्लस 2। अब ये हो गया 3 इंटू टी 3, टी 3 का मान कितना है यहाँ देखिए, टी 3 इक्वल टू है आपका 35 प्लस 2 करना है। अब देखिए यहाँ ये दोनों का गुना हो जाएगा 15 105 प्लस 2, ऐड कर देंगे दोनों को तो 107 ये हो जाएगा आपका आंसर। निकल गया आपका टी 1 दिया गया था 3, और इससे हम लोग निकाल लिए टी 2 टी 3 और टी 4। टी 2 का मान आ गया आपका 11, टी 3 का मान आ गया आपका 35 और टी 4 का मान आ गया 107, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से करना है। तो टाइप 2 में आपको बताया गया था कि टाइप 2 का जो क्वेश्चन होगा वो उसमें आपको एपी का सार्व अंतर और उसका पहला पद, ये दो टर्म दिया रहेगा आपको, सार्व अंतर और पहला पद ये दो दिया रहेगा, और आपको निकालने के लिए बोला जाएगा इस एपी का कुछ अगला पद निकालिए। जैसे एपी का सार्व अंतर और पहला पद दिया है, आपसे बोला जाएगा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस तरह से कुछ पद निकालें इसका, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइप टू के क्वेश्चन का सोल्यूशन। टाइप टू का क्वेश्चन है आपको चौथा नंबर क्वेश्चन में, जिसमें दिया गया है कि एपी का प्रथम चार पद निकालें, प्रथम चार पदों को ज्ञात करें यदि। चलिए देखते हैं यहाँ पे इस एपी का चार पद, प्रथम चार पद निकालना है, प्रथम चार पद यानी टी 1 टी 2 टी 3 और टी 4, यही चारों टर्म आपको निकालना है इसमें। और निकालने के लिए आपको कुछ मदद दिया गया है, मदद ये दिया गया है कि इस एपी का प्रथम पद और सार्व अंतर दिया गया है। इसमें प्रथम पद ए बराबर 1 है और सार्व अंतर डी बराबर भी 1 है। पहला क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में प्रथम पद और सार्व अंतर दोनों का मान 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे इसका। चलिए देखिए ए इक्वल टू दिया गया है 1 और डी इक्वल टू दिया गया है 1, और हम लोगों को टी 1 टी 2 टी 3 और टी 4 निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि टी 1 बराबर ए होता है, पहला पद इसका ए होता है, तो पहला पद ए बराबर 1 आ गया। अब हमें दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि दूसरा टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, और ए का मान यहाँ 1 है और डी का भी मान 1 है, तो इस तरह से टी 2 का मान आ जाएगा आपका 2। फिर हमें निकालना है टी 3, तो तीसरा पद निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस 2 इंटू डी, और यहां देखिए आप ए इक्वल टू है आपका 1, 2 इंटू डी का मान भी 1 है, तो इस तरह से 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 यानी टी 3 का मान आपका आ गया 3। इस तरह से आगे अब एक लास्ट और निकालना है टी 4 चौथा पद, तो चौथा पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस 3 इंटू डी, ठीक है। अब ए का मान है 1 और 3 इंटू डी का भी मान 1 है, तो ये 1 और प्लस 3
ये हो जाएगा आपका फोर। यानी इस एपी का अगर पहला पद वन और सार वन तो डी होता है, सार वन तो डी बराबर वन होता है, तो यहाँ पे इस एपी का चार पद कौन कौन सा, टी वन टी टू टी थ्री और टी फोर, ये चारों निकल गया। पहला होगा टी वन इक्वल टू वन, टी टू इक्वल टू टू, टी थ्री इक्वल टू थ्री और टी फोर इक्वल टू फोर, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं हम लोग इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अब चौथा का, फोर्थ का सिक्स नंबर क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ का सिक्स नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम बता दिया और जो बाद वाला क्वेश्चन है दो तीन चार और पांच सब एक ही जैसा क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है सेम वैसे ही क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम लोग इसका सिक्स नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन में दिया गया है पहला पद यदि माइनस वन होता है और सार्व अंतर जो है वन अपॉन टू होता है तो आपको इस एपी का टी वन टी टू टी थ्री और टी फोर निकालना है। तो हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं, देखिए यहाँ पे चलिए सोल्यूशन करते हैं। ए बराबर दिया है माइनस वन और डी इक्वल टू दिया है वन अपॉन टू। यहां से हमें टी वन का मान तो मिल गया, टी वन इक्वल टू माइनस वन, अब हमें चाहिए टी टू, तो टी टू का फॉर्मूला अभी हम लोग देखिए ए प्लस डी, ए का मान हो गया माइनस वन और डी का मान इसमें ऐड करना है, तो ये हो जाएगा आपका टू और ये माइनस टू प्लस वन यानी कि माइनस वन अपॉन टू। ये किसका मान आ गया आपका, टी टू का मान, टी टू इक्वल टू आ गया माइनस वन अपॉन टू। अब हमें निकालना है टी थ्री, तो टी थ्री इक्वल टू होता है ए प्लस टू इंटू डी, ए प्लस टू इंटू डी होता है टी थ्री का मान। चलिए यहाँ ए का मान माइनस वन, टू इंटू डी का मान वन अपॉन टू, ये कट जाएगा और बचेगा माइनस वन प्लस वन, ये कैंसिल हो जाएगा और जीरो, यानी टी थ्री का मान आ गया जीरो। इस तरह से हमें एक और पद यानी टी फोर निकालना है, तो टी फोर इक्वल टू होता है ए प्लस थ्री इंटू डी, टी फोर का मान होता है ए प्लस थ्री इंटू डी, तो ए का मान यहाँ देखिए माइनस वन दिया है, थ्री इंटू डी का मान वन अपॉन टू। चलिए माइनस वन प्लस थ्री अपॉन टू, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा टू और माइनस टू प्लस थ्री यानी वन अपॉन, इसका आंसर आ जाएगा आपका वन अपॉन टू आंसर। हम लोग ने फाइंड कर लिया टी वन टी टू टी थ्री और टी फोर। टी वन तो आपको दिया गया था टी वन इक्वल टू माइनस वन, टी टू निकाले तो आ गया माइनस वन अपॉन टू, टी थ्री निकाले ये आ गया जीरो, टी फोर निकाले तो इसका मान आ गया वन अपॉन टू। ये हो गया आपका फोर का सिक्स नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं यहाँ पे फोर का एट नंबर क्वेश्चन। सेवन नंबर आप लोग बना लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है और एट नंबर देखते हैं यहाँ पे। एट क्वेश्चन नंबर एट में आपको दिया गया है ए इक्वल टू वन पॉइंट जीरो, तो पॉइंट जीरो है तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डी का मान दिया है जीरो पॉइंट वन, ठीक है, ए इक्वल टू वन और डी इक्वल टू जीरो पॉइंट वन, तो हमें निकालना है टी टू, सॉरी टी वन इक्वल टू हो जाएगा आपका वन, टी वन इसी के बराबर होता है। अब हमें टी टू निकालना है, तो टी टू बराबर ए प्लस डी, ए इक्वल टू है वन और डी इक्वल टू जीरो पॉइंट वन, जोड़ेंगे दोनों को तो हो जाएगा वन पॉइंट वन। फिर हमें निकालना है टी थ्री, टी थ्री निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ए प्लस टू इंटू डी करते हैं, तो ए इक्वल टू है आपका वन और टू इंटू डी का मान है जीरो पॉइंट वन। आ रहा है समझ में, देखिए यहाँ ए इक्वल टू है वन और डी इक्वल टू है जीरो पॉइंट वन, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला ए प्लस टू इंटू डी, तो ए का मान रख दिए टू इंटू डी का मान जीरो पॉइंट वन। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, टी थ्री इक्वल टू हो जाएगा आपका वन प्लस टू पॉइंट जीरो, तो यहाँ क्या हो जाएगा वन पॉइंट टू आंसर इसका हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग टी फोर निकालना है, टी फोर, टी फोर निकालने के लिए क्या करते हैं ए प्लस टू इंटू सॉरी ए प्लस थ्री इंटू डी करते हैं, टी फोर निकालने के लिए ए प्लस थ्री इंटू डी। अब ए का मान है वन और डी का मान क्या करेंगे थ्री इंटू डी का मान जीरो पॉइंट वन, इस तरह से रख देंगे। अब देखिए वन प्लस थ्री से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जीरो पॉइंट थ्री, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा वन पॉइंट थ्री आंसर। निकल गया आपका टी वन इक्वल टू वन, टी टू इक्वल टू वन पॉइंट वन, टी थ्री इक्वल टू वन पॉइंट टू एंड टी फोर इक्वल टू हो जाएगा आपका वन पॉइंट थ्री। चलिए
आ रहा है सभी को समझ में? इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन वो टाइप थ्री का क्वेश्चन है, और अभी तक के लिए हम लोग बस इतना ही। अभी बस क्या क्या पढ़ लिया हम लोग आज, आज के वीडियो में हम लोग देख लिए टाइप वन टू ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से करना है, ये सीख गए हम लोग। साथ में एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन बना लिए। आगे जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, जहां भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो आप हमें